हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताना हूं सैमसंग गैलेक्सी का कमाल का एक हिडन फीचर, या बोल सकते हैं एक कमाल की टिप्स या ट्रिक बताने वाला हूं, जिसको अगर आप सैमसंग गैलेक्सी में यूज करेंगे तो आपको अपने सैमसंग गैलेक्सी में डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। इसको आप अपने हिसाब से और मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको कमाल का एक हिडन टिप बताने वाला हूँ, या बोल सकते हैं टिप्स बताने वाला हूँ दोस्तों। वो टिप ये है कि अगर आपकी मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए तो ये आपको अपने हिसाब से आपको आपकी आवाज में, या बोल सकते हैं जो आप यहाँ पर लिखेंगे उस शब्द में आपको बताने वाला है। आपको खुद बोल के बताएगा, भाई मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है, मुझे चार्ज पे लगा दो। या फिर आप जब भी इसको चार्ज पे लगाएंगे तो आपसे बोलेगा, बहुत बहुत थैंक यू भाई, आपने मेरे आपको आपने मुझे चार्ज पे लगाया। तो ऐसे आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। कैसे? लाइक मैंने यहाँ पर इसको चार्ज पे लगाया, तो आप सुनिएगा जरा इसको। Thank you, Sunny bhai. तो आप देख रहे हैं जैसा कि ये बोल रहा है, बहुत बहुत थैंक यू सनी भाई। इसको मैंने यहाँ पर एक ऑटोमेशन लगा चुका है। आप ऐसे ही इसमें बैटरी डाउन का भी लगा सकते हैं, और भी आप इसमें अच्छे तरीके से इसको लगा के और अपने आप जैसे लगाएंगे इसको आप हिंदी में भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार फीचर है। अब कैसे इसको इनेबल करना है? इसको इनेबल करने के लिए आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऊपर ही मिलेगा मोड्स एंड रूटीन वाला ऑप्शन, आपको दिख रहा होगा, आपको उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जाने के बाद अब मैं पहले एक ऑटोमेशन बना के दिखा रहा हूँ आपको बैटरी लेवल डाउन का। मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर लगाया मैंने इफ में। इफ में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है नीचे आके बैटरी वाला ऑप्शन, दिख रहा होगा बैटरी वाले लेवल पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको परसेंट डालना है जिसपे आपको टिकट करना है। तो लाइक अभी मेरे मोबाइल की बैटरी 32 है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो मैंने यहाँ पर 30 सेट कर दिया और ब्लू यहाँ पर सेट कर दिया और यहाँ पर डन कर दिया। डन करने के बाद मैंने गया यहाँ पर एड में। यहां पर जाने के बाद अब आपको करना क्या है, नीचे एक्शन में नीचे आपको गुडलक मॉड्यूल पे चले आना है। अगर आपने गुडलक मॉड्यूल नहीं इंस्टॉल किया हुआ तो ये वर्क नहीं करेगा। और गुडलक मॉड्यूल के अंदर आपको एक रूटीन वाला ऑप्शन मिलता है या रूटीन वाला मॉड्यूल मिलता है, वो भी आपके पास इनेबल होना चाहिए। तो आपको अब इसमें गुडलक में चले जाना है। यहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है, रीड टेक्स्ट लाउड वाले पे जाना है, आपको यहां जाना है। यहां जाने के बाद आपको वो मैसेज को लिखना है जो आपको बुलवाना है। तो यहां पर आपको रीड इवन व्हेन साउंड इज म्यूटेड पे भी आपको ऑन कर लेना है। अब यहां पर मुझे क्या लिखवाना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है सनी भाई चार्ज कर दो, तो मैंने ये यहाँ पर लिखा है। आप चाहे जो भी यहाँ पर लिखवाना चाहो लिखवा सकते हो। और आपको मेनली इसको हिंदी में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाना है टेक्स्ट टू स्पीच वाली सेटिंग पे, यहाँ जाना है सेटिंग पे और यहाँ जाना होगा इंस्टॉल वॉइस सेट पे। यहाँ पर आपको हिंदी लैंग्वेज को पहले तो डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप उस पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे वो आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर पर ले जाएगा और आपको डाउनलोड करने को बोलेगा। तो आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर उसको हिंदी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब ये यहाँ पर वर्किंग में आ गया और लैंग्वेज आपकी यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट हो चुकी है, आप देख रहे होंगे। तो अब ये वर्किंग में आ गया है, अब ये वर्क करने वाला है। तो जैसे कि अब यहाँ पर आप सुन भी सकते हैं, सनी भाई चार्ज कर दे, तो ये ऐसा बोलेगा जब उसको 30 लेवल पे मेरी आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर डन कर दिया, ठीक है। और आप एक एक्शन ऑन लगा सकते हैं यहाँ पर, एड एक्शन ऑन करके यहाँ साउंड पे जाके कि मीडिया वॉल्यूम जब भी मैं लगाऊं तो वो 100% पे चले जाए, ताकि आपको सुनाई में आ जाए। और साथ में ऑटोमेटिक नीचे रिवर्स एक्शन हो जाएगा कि जैसे ही एक्शन बंद होगा उसका साउंड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो ये ऐसे वर्क करेगा। हमने इसको सेव कर दिया, इसका जो भी नाम देना चाहो आप यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं। तो हमने इसको यहाँ पर डन कर दिया। अब जो मैंने लगाया है यहाँ पर 30 पे लगाया है, तो 30 आने पर ये खुद ही बोलेगा। जब तक मैं आपको बता दूं चार्जिंग वाला, जो मैंने चार्जिंग वाला लगाया है। अब चार्जिंग के लिए लगाने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ प्लस पे जाना है, यहाँ पर एड एंड टिकट पे जाना है, यानी इफ में जाके आपको यहाँ जाना है चार्जिंग स्टेटस पे। अब यहाँ पर चार्जिंग स्टेटस पे लगा दिया और मैंने यहाँ पर चार्जिंग पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब चार्जिंग पे आके मैंने डन करा, डन करने के बाद यहीं पर डैन पे आया। डैन पे आने के बाद मैं यहाँ पर गया गुडलक में और यहाँ रीड अलाउड पे आया, जो भी यहाँ पर मैसेज आया लाइक लिख दिया, हो गया भाई, जो भी आप लिखना चाहो आप यहां पर लिख दो, हो गया भाई, ठीक है, हो गया भाई। और मैंने यहां डन कर दिया। और आप जैसे ही मैं सेव करूंगा तो जब भी मैं चार्ज पे लगाऊंगा वो आपको वहां पर बोलने वाला है। इसमें एक चीज और कर सकते हैं, चार्जिंग स्टेटस की जगह आप नोट चार्जिंग भी कर सकते हैं। अब नोट चार्जिंग क्या होगा, जैसे ही मैं चार्ज से निकालूंगा वो बोलेगा कैसे। अब मैंने ये कर दिया, इसको डन करा और मैंने यहां पर सेव कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको लगाता हूँ यहां पर चार्ज पे। Thank you, Sunny, bye. पहले तो ये बोल दिया बहुत बहुत थैंक यू, अब जैसे निकालूंगा हो गया भाई, हो गया, ये बता दिया। अब जैसे ही मैंने वो बैटरी वाला लगा के रखा है,
30 लेवल पे आने दो, फिर ये बोलेगा जब तक थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। सनी बाय चार्ज कार डू, तो आप देख सकते हैं ये ऐसा फर्क करेगा। जैसा ये मैंने बोला, ये आपने सामने बोल चुका है, ये तो मैंने नॉर्मल सी चीज लिखी है। आप अपने हिसाब से और भी कुछ इसमें एड ऑन कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इंग्लिश में लिखना चाहें आप इंग्लिश लिख सकते हैं। मैंने तो यार फनी बनाने के लिए ऐसा लिख लिया, ऐसा बोल दिया। आप चाहें जो अपने लैंग्वेज में चाहें उसका यूज कर सकते हैं, बट इसका यूज बहुत यूजफुल है यार। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने क्या लिखा और कैसे इसका यूज किया। तो थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप उससे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यहां तक आपने मेरी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।